हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के लेक्चर 7 में हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, एक फैक्टोरियल। एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग बहुत जगह पर बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस यूज करते हैं, तो जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले, उस थ्योरम को समझने से पहले, कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए। हम उसकी बात कर रहे हैं आज, फैक्टोरियल, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा कि हमें फिजिक्स में जो इस्तेमाल होना है वो हम लोग इजिली कर सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो मेरे पास ए, बी और सी, ये तीन लोग हैं और मुझे इन तीन लोगों को एक लाइन में लगाना है। तो हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज देम, कितनी वेज में मैं ऐसा कर सकता हूं उनको लाइन में लगाने में। मान लो ए को मैं सबसे आगे रख दू, बी को उसके पीछे और सी को उसके पीछे। एक तरीका तो ये हो गया। फर्स्ट, ए को आगे रख के हो सकता है मैं सी को यहां रख के बी को यहां रख दूं। दो, हो सकता है बी को सबसे आगे रख के ए रख के सी रख दूं। तीन, हो सकता है बी को सबसे आगे रख के सी को यहां रख के ए को यहां रख दूं। चार, हो सकता है सी को सबसे आगे रख के ए बी, सी को सबसे आगे रख के ए सॉरी बी और ए। कितने केस हुए? दो, तीन, चार, पांच, छह। सो देयर आर टोटल 6 वेज जिसमें कि मैं इनको ऐसा अरेंज कर पा। नाउ सोचो, अगर ऐसे चार होते, एक दो तीन चार, चार होते, अब इन चार को मैं कितनी वेज में ऐसा अरेंज कर सकता था? एक काम करता हूं, वन को सबसे आगे लगा के देखता हूं। अब मेरे पास टू थ्री और फोर को यहां पर अरेंज करना है, जो भी मैं देख चुका हूं 6 वेज में मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूं। अगर मैं टू को सबसे आगे रखता तो वन थ्री एंड फोर को मैं 6 वेज में अरेंज कर सकता था। थ्री को सबसे आगे रखता तो यहां 6 केस और बनते, चार को सबसे आगे रखता तो 6 केस और बनते। सो टोटल कितने केस हुए मेरे बेटे? टोटल हुए 24, 6 6 6 6। अब ऐसे अगर पांच होते तो उन पांच के निकलने लगता तो भी बहुत सारे केसेस बन जाते। तो क्यों ना एक सिंपल मेथड बनाया जाए इस काउंटिंग के लिए। मेरे पास तीन थे तो आंसर आया 6, 6 अरेंजमेंट हो पा रही थी। चार थे तो आंसर आया मेरे पास 24। जरा देखते हैं इसके लिए हमने एक सिंपल वे क्या और तैयार किया। हमने तैयार ये किया, हमारे पास जगह कितनी है, तीन लोग थे तो तीन अरेंज करने थे। मैं पहली जगह पे तीन में से कोई सा भी रख सकता था, अब जिसको भी रख दिया बाकी दो में से कोई सा भी यहां रख सकता हूं। कितने? दो ऑप्शन बचे। अब अगर मैं दो रख चुका हूं तो ऑब्वियसली तीसरी जगह पर सिर्फ कोई एक ही बचेगा। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ रहा है? ये तो मैच कर रहा है पहले वाले केस से। जरा चार वाला केस सोचते हैं। हमारे पास चार लोग थे और चार ही जगह थी। पहली जगह पर मैं चारों में से भी किसी को रख सकता था, किसी को भी। अब जिसको रख दिया बाकी कितने बचे? तीन। तो आई हैव 3 ऑप्शंस नाउ। अब दो अगर रख चुका हूं तो कितने ऑप्शन बचे? दो। अब तीन अगर फिल कर चुका हूं तो कितने ऑप्शन बचे? कितना आ रहा है? सो दैट मीन्स कि वो पूरा पूरा ना सोच के मैं डायरेक्ट एक मल्टीप्लीकेशन के रूल से इन्हें काउंट कर पा रहा हूं। आप लोग मैथ्स में जब इन्हें पढ़ोगे, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप लोग पढ़ोगे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्या ये समझ आया? सिमिलरली अगर पांच होते तो इन पांच के लिए आप 5 4 3 2 1 करते। 5 4 3 2 1, 120 आ जाता। सोचो अगर ऐसे 100 होते तो मेरे को 100 से लेकर 1 तक लिखना पड़ता। तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, मुझे क्या दिख रहा है कि इंटीजर्स घटते हुए दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों ना ये जो लंबा लंबा, अगर मेरे पास 100 हो गया तो 100 से लेकर 1 तक लिखना पड़ेगा। हम कुछ भी अगर रूल लाते हैं तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लाते हैं, तो क्यों ना इस लिखने की मेहनत को बचाया जाए। तो उसके लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, फैक्टोरियल। क्या इंट्रोड्यूस करा? फैक्टोरियल। This is, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देख लो, फैक्टोरियल का सिंबल मैंने कैसे बनाया। एक डंडी बनाई, नीचे छोटा सा बिंदु बनाया, प्यारा सा। दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 5 फैक्टोरियल।
तो मेरी मेहनत बच गई ना, ये पूरा पूरा लिखने की जगह। सो मुझे पता है 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, दिस इज 5 टू 1। ओके, तो ये मेरे पास हो गया बच्चे फैक्टोरियल। ओके, नाउ दो टर्म्स और आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया वो एग्जांपल ही परम्यूटेशन का था। परम्यूटेशन का मतलब ही है कि नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस और नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो आप लगा पा रहे हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो वहां पर मैंने क्या करा, तीन लोग थे और तीन ही जगह पर रखना था, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 3P3, जिसका आंसर मेरे पास क्या आया था 6। जब चार थे मैंने 4P4, जिसका आंसर मेरे पास क्या आया 24। तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, NPR इज N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, सो अब देखो 3P3 अगर होगा तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1। सोचना क्यों, नहीं सोच पाओगे तो एक लेक्चर और बनाऊंगा, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों हुआ ये बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही 4P4 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, अब ये भी देखो कितना आया 24। ओके, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ये यूज नहीं होने वाला हमारे फिजिक्स में, लेकिन क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन पर पहुंच रहा था तो सोचा कि चलो परम्यूटेशंस भी आपको बता ही दो, इसे कॉपी कर लो। अब आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल इसी तरीके का है। कॉम्बिनेशन में क्या है, मान लो मेरे पास ए बी सी ये तीन लोग हैं। अब मेरे को मान लो एक टीम सिलेक्ट करनी है, मुझे एक टीम सिलेक्ट करनी है तीन लोगों की, और इन तीन में से ही सिलेक्ट करनी है, तो मेरे पास एक ही तो ऑप्शन है, तीनों को ले लूंगा टीम में। समझ पा रहे हो, मान लो आप बच्चे लोग गली में अपनी एक टीम बना रहे हो, टूर्नामेंट खेलने जाना है आपको, टीम में रिक्वायरमेंट है पांच लोगों की और आप पांच ही दोस्तों, तो क्या आपके पास आप एक ही ऑप्शन है, आप पांचों उठ के चले जाओगे टीम में। मान लो आप पांच दोस्त हो लेकिन आपके पास, या सपोज आपके पास आप तीन दोस्त हो और आपकी दो की ही टीम कहीं पर जानी है टूर्नामेंट, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप तीन लोग हो तो हो सकता है ए और बी को आप चूज लो, चूज कर लो, सी वाले को कहो भाई तू मान जा यार, ठीक है, या हो सकता है ए और सी, या हो सकता है क्या इन तीन के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। सो यहां पर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि ए एंड बी लिख रहा हूं या बी एंड ए लिख रहा हूं, तो जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा वहां पर मैं क्या कहूंगा, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा था, मैं ए को पहले लिख रहा हूं सबसे आगे खड़ा हुआ है और बी वाला बाद में, और या बी वाला आगे खड़ा हुआ ए वाला बाद में, ये फर्क था, अलग अलग काउंटिंग हुई। लेकिन यहां पर क्या है, ए और बी दो लोगों की टीम है जी, ए और सी दो लोगों की टीम है, चाहे आप सी और ए बोलो चाहे ए और सी बोलो। ओके, सो इस कॉम्बिनेशन के लिए भी हमने एक तरीका बनाया, हमने कहा एन सी आर। यहां पर क्या था, तीन लोग थे लेकिन मैंने सिलेक्ट कितने करने थे, दो, 3C2, और आंसर कितना आया 3। एनसीआर के लिए हमने फॉर्मूला बनाया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, सो ये फॉर्मूले को यूज करते हैं जरा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करते हैं 3 2 1 2 1 1 कैंसिल 3। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हो? ओके, सेम ऐसे सोचो अगर चार लोग होते आप ए बी सी डी, और मैं आपको कहता कि यार दो लोगों की टीम बनानी है, तो क्या क्या कर सकता था, हो सकता है मैं ए और बी की बनाता, ए और सी की बनाता, ए और डी की बनाता, बी और सी की बनाता, बी और डी की बनाता, या बी और डी की सी और डी की बनाता। कितने केसेस बने, 6 कॉम्बिनेशंस बने। चेक करते हैं इस फॉर्मूले से, चार में से मेरे को दो को चूज करना था, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करते हैं 4 3 2 1, 2 2 2 से ये गया, 2 से ये गया, चेक करो क्या ये 6 आया नहीं आया। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनसीआर जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ओके,
सो एमसीआर का फॉर्मूला आपने याद रखना है, और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रखते हो तो एक ट्रिक इसके लिए हम बना देते हैं जिससे कि हम जल्दी से इन्हें सॉल्व कर पाए। सो एनसीआर में सबसे पहले तो एक याद रखना है, एनसी वन इज ऑलवेज एन, एनसी जीरो इज वन, ओके, एंड एनसीएन इज ऑल्सो वन। ये तीन रिजल्ट्स आप याद रखो। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से आप इन तीनों को आज ट्राई कीजिएगा कि ये तीनों आप प्रूफ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कर लोगे आप इजीली, ओके। नाउ अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप जब आप बाइनोमियल थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम बार बार ये फॉर्मूला ना अप्लाई करें, हम डायरेक्ट कुछ चीजें करें। ये तीन तो हेल्प करेगी हमारी। लेट्स से मैं कहता हूं 6C3, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें आप, इस नंबर को देखो कितना लिखा है 3, तो इस 6 को बस इतनी टर्म्स में लिखना, मतलब 6, 5, 4, मतलब फैक्टोरियल में से सिर्फ उतनी टर्म उठानी है जितना ये लिखा हुआ। कितने टर्म्स उठाए मैंने, 3, और अपॉन में इसी का फैक्टोरियल। सॉल्व कर ले से कितना आएगा, 2, 2, अरे इसे डायरेक्ट कर देता 20। ओके, सपोज मैं लिखता 10C3, अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता तो ऊपर 10 फैक्टोरियल लिखता, वो सब सॉल्व करने में टाइम लगता है। डायरेक्ट देखो 3 लिखा हुआ है, 10, 9, 8 अपॉन में 3, 2, 1, 3 से ये गया 3 पे, गया 4 पे, 120। और सोचे कुछ, लेट्स से हम करते हैं 20C2, क्या करूं सर, 20, 19 अपॉन में 2 कितना आ गया सर, 190। So, क्या आप लोगों को कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला यूज करना समझ आया सभी को पक्का? तो अगर ये समझ आ गया तो अब हम लोग रेडी है नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए, ओके। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स में, जिनके पास मैथ्स है वो लोग 11th में पढ़ेंगे और मजा आएगा, दिमाग लगा के करना, ओके, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगा अगर ढंग से करोगे तो, और तोते उड़ा देगा अगर ढंग से नहीं कर पाओगे तो, ओके। सो आज मैंने आपको दो बातें बताई मेनली कि फैक्टोरियल होता क्या है एंड एनसीआर या कॉम्बिनेशन को आपने कैसे सॉल्व करना है। सो हम लोग तैयार है हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करने के लिए, जो हमारा होगा बाइनोमियल थ्योरम। बाय, लव यू।